अजमाए कराम अलमाए कराम सोफियाए कराम और मोहब्बाने तीनों फितरा सामने कराम अपने मातम असलाम अलहम्दुलिल्लाह अलहम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نصرنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء سبق الله مولانا العظيم بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عقیدت کے ساتھ درود پاک کا ہم پیش کریں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد محمد بن باری کو صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ हजरात आपने अपनी आंखों से तारुम औरुम फजर कुरान का फैज पढ़ते हुए देखा है। रफ़ी शेख साबी ने कहा था कि कारून हिलाक हो गया और वो 40 घर खदाने रखते थे। 40 घर खदाने थे कारून के पास और वो हिलाक हो गया। नौशे रवा नमो के नेको नमो गुजार, लेकिन नौशे रवा नहीं मरा है, इसलिए उन्होंने अपनी नेक नामी छोड़ दिया। हमारे दोस्त हर मोड़ पर साथ आने वाले कौम की दर्द रखने वाले हजरत सूफिया मिल्लत बे इंतहा जाफरानी के साथ इस उजड़े हुए कयास को खुशनुमा बनाया है और उसकी बहारें उसकी खुशबुएं आज हर तरफ फैल रही है, लोग इससे महसूस हो रहे हैं। मुमकिन है बहुत सारे मालदार लोग रहे होंगे और बिखर गए होंगे जिसे आज हम जानते भी नहीं, ऐसा है। लेकिन हजरत सूफिया मिल्लत ने इस वीरान जगह को आबाद किया और ऐसा महकता गुलाब गया है जो कयामत तक लोग इनकी खुशबू को महसूस करते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला उनके कब्र मुनव्वर पर नूर की बरसात फरमाए और उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हर शख्स को जज्बा अता फरमाए। मैंने कुरान करीम की तिलावत का शब्द हासिल किया, रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है कि महबूब हमने आप पर कुरान नाज़िल किया और इसमें सारी कायनात के उलूम को समो दिया है। हमारा कुरान के हर पर ईमान है। आपने अभी अपने आंखों से मंदिर देखा है कि छोटा सा तालिबी कुरान की तकमील किया, आखिरी सूरतें तिलावत की अच्छे अंदाज में। मैं समझता हूं कि हो सकता है दिल में तश्वीश हो तादाद के ताल्लुक से। आप तादाद के हकीम बन गए। हमको एक वाक्य याद आया था, हजरत हारून रशीद है, हारून रशीद शहंशाह का जमाना था। उस जमाने में एक मदरसा सरकारी तौर पर चलता था, पहले तो सरकारी ही चलाती थी, बादशाह मुसलमान होते थे, वो मदरसा चलता था। बेशुमार उनकी शिकायतें आती रहती है और वो सिलसिला आज भी बंद नहीं है, है ना। अगर आप स्कूलों में जाएंगे ग्राउंड में अपने शोर होते शराबा होते बच्चे दौड़ते सब कुछ करते हैं। मैं नहीं ये समझता हूं कि आज तक किसी के सरपरस्त ने उन बच्चों को देखकर स्कूल के टीचर से शिकायत किया, बल्कि कहते हैं ये तो अच्छा है ये वर्जिश हो रहे हैं। मगर अगर मदरसे के बच्चे सिर्फ दो बच्चे के आंगन में दौड़ गया ना तो शाम में मदरिस के पास शिकायतें आती, पढ़ाई क्या होती है, बच्चे तो खेलते रहते हैं, है ना। ये शिकायतें दूर नहीं हुई, मैं चाहता हूँ अल्लाह के वास्ते ये दूर कर दें।
पढ़ने के वक्त पढ़ना लाजिम है और खेलने के वक्त खेलना भी लाजिम है। खेल की उम्र है, याद रखते हैं, जिसे आप ढाल रहे हैं ना, जिसे आप एक फरमे में ढाल रहे हैं, ये ठहराव का नहीं है, ये ढाल रहे हैं। तभी बहुत तगोदो करना पड़ेगा। और आपके बच्चे अगर खेले तो बड़ा खुशनुमा होता है, उसकी तारीफें होती है, ऐसा बैट मारा ना, अरे छक्का मार दिया। अरे वही सोच लेते मदरसों के बच्चों के बारे में भी, ये भी बच्चा ही है। मैं तो कर रहा था हारून रशीद का, मैं तनकीद करना मकसद नहीं है, हालात बताना मकसद है। तो आप तनकीद ना करें, उनके भी खेलने का वक्त है, उनके भी पढ़ने का वक्त है, सोने का वक्त है, जानने का वक्त है। और फिर उम्र वही है, अक्ल वही है, तो अपने अक्ल ही के हिसाब से तो काम करेगा। आप रहनुमाई करेगा, उसकी अक्ल की परवरिश करें, वो हीरा बन के निकलेगा, हीरा। तो हारून रशीद का जमाना था, लोग शिकायतें करने लगे कि मदरसे में पढ़ाई क्या होती है, बस खाना है, सोना है, घूमना है, पढ़ना है। इतनी शिकायतें गई कि बादशाह पसंद हो गया और अपने अमले को कहा कि चलो, और चलने के बाद मदरसे को पस्त कर दें, गिरा दें। जब कुछ होता ही नहीं है तो फालतू खर्च हो रहा है। हारून रशीद रात में अपने अमले के साथ अचानक निकला, और निकलने के बाद मदरसे में गए तो बच्चे कुछ दौड़ रहे थे, कुछ खेल रहे थे, मताले का वक्त खत्म हो गया था, सब छुट्टी हो गई थी, तो खेल धूप रहे थे, सब अपनी अपनी जगह। मक्का को देख के बसाया की शिकायतें जो आ रही थी वो सही है, सब इंतजाम कर दिया कि इसको पस्त कर लो। अभी ये खैसो खत्म में डूबा था कि पहले तो मदारे जंगल में होते थे, आबादी से बाहर होते थे, बाद में आबादियां होती हैं, तो दूर देखा कि एक दरख्त है और दरख्त के नीचे थोड़ी सी रोशनी हो रही है। हारून रशीद धीरे धीरे वहां तक पहुंचा तो देखा कि एक छोटा सा बच्चा है और वो किताब लेके वही शोले की रोशनी में पढ़ रहा है। हारून रशीद ने सलाम किया, बच्चे ने जवाब नहीं दिया, फिर सलाम किया, फिर जवाब नहीं दिया, फिर जोर से सलाम किया, लेकिन बच्चे को पता भी नहीं चला कि कोई सलाम कर रहा है, इतना गर्व था मुताले में। हारून रशीद पसीने छोड़ के पिघल गया। जो अमले थे ना, जो हासिलीन थे ना, उसे अगर आप शहंशाह वक्त, यहां का बच्चा तो इतना मगरूर है कि बादशाह वक्त के सलाम का जवाब देना नहीं चाहता। हारून रशीद ने कहा कि खामोश रहो, तुम कुछ और समझ रहे हो, मैं कुछ और समझ रहा हूं। कहा चलो, मैं जो हुक्म दिया था ना कि अभी गिरा के पस्त कर दो, आप इसको पस्त नहीं करेंगे, इसके इस राजा को आप बैतुल माल से दुगना करो, आप इसके इस राजा को और बढ़ा दो। कहा हजरत हो क्या गया? कहा कि मुझे पूरे मदरसे की फिक्र नहीं है, एक बच्चा कितना मुनाफिक है, इतना गर्व होके पढ़ रहा है, मैं समझता हूं कि सिर्फ ये एक बच्चा अगर पढ़ ले तो जमाने में रोशनी फैला देगा, एक पढ़ ले तो जमाने को रोशन कर दे। और जानते हैं वो बच्चा कौन है? हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह। जहां रोशन हुआ या नहीं, जहां रोशन हुआ या नहीं, हजरत इमाम गजाली है जिन्होंने पूरी दुनिया को इल्म से रोशन कर दिया। तो आप तादाद पर ना जाए, ये तादाद क्या है, दुआ करें कि एक ही ऐसा निकले जो शहर को संभाल दे, सारी मेहनत वसूल हो जाए, तो तादाद पर ना जाए। मैंने आपसे किया था कि रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है कि हमने आप पर कुरान नाजिल किया और उसने सारी कायनात के उलूम को समो दिया। दरअसल देखें, पूरी कायनात में एक वाहिद किताब कुरान मुकद्दस है, कोई किताब ऐसे दावा नहीं कर सकता, जिसको पढ़ना भी सवाब, छूना भी सवाब, देखना भी सवाब, अरे हाथ पर यह है कि उसको सोचना भी सवाब। ये पूरी कायनात में कोई ऐसी किताब नहीं है जिसके फराइल में यह हुआ हो। ये कुरान मुकद्दस है, आप अंदाजा लगाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर जब तौरात की तख्तियां उतरी, 1000 तख्तियां उतरी, 1000 पारे समझ, मलाइका ने नाजिल किया,
और हर सूरा में 1000 सूरतें नाजिल किया और हर सूरा में 1000 आयतें। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उन तख्तियों को देखा ना, हैरान हो गए। अर्थ किया, मौला करीम इतनी असीम किताब, इतनी बड़ी किताब, भला इसको कौन पढ़ पाएगा, कौन याद कर पाएगा। मौला करीम ने ताज्जुब से अपने रब के बारे में अपने याद किया, इतनी बड़ी किताब कौन पढ़ पाएगा। मौला करीम ने फौरन उर्शाद फरमाया, मेरे प्यारे नबी मूसा, तुम घबरा गए इसी को देख के। अरे इससे मैं आखिरी जमाने में अपना महबूब भेजूंगा और उस महबूब पर इससे भी असीम शान किताब नाजिल करूंगा, इससे भी मोहतम की शान। और याद रखो, मेरे महबूब की उम्मती के बच्चों में से छोटे छोटे बच्चों के सीने में महफूज करूंगा। जरा तो देखते हैं, है या नहीं? आज हमारे छोटे छोटे बच्चे इतनी मुकद्दस किताब कि अगर पहाड़ पर नाजिल हो तो रेता रेता हो जाए। यही दीन है जो मौला के कलाम को अपने सीने में बसाए हुए। ये मोहतम विशाल किताब कुरान मुकद्दस है। ये कुरान की बात हदीस पाक में है कि जब मौला करीम ने सूरह फातिहा का नाजिल किया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये जो सूरह है ना, ये सूरह मैं छोटी तो नहीं कह सकता, क्रांति से एक घर भी छोटा नहीं है, एक महाभारत। ये सूरह नाजिल किया और जिब्राइल जैसे ही लेके चले, मौला करीम ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल रुक जाओ, ऐसे मत जाओ, ये कितना मोहतम विशाल है तुम्हें समझ नहीं आती। कहा मौला क्या कहूं, कहा यह सूरह फातिहा है, ये कुरान का चूस है, ऐसे मत जाओ। कहा मौला कैसे जाओ, कहा 70,000 फरिश्तों को साथ लेकर जुलूस की शक्ल में मेरे नबी की बारगाह में था और उन्हें सूरह फातिहा दिया। जरा सोचे, एक सूरह जब नाजिल हो प्यारे हबीब पर तो 70,000 फरिश्ते नाजिल हो जाए। जहां पर कुरान की तिलावतें होंगी, बताएं कितने रहमतों के नजूल होते होंगे। या और बात है कि हमारी निगाहें गदली हो चुकी है, हम देखते रहे। हदीस पाक में मौजूद है, हजरत उसैद इब्न हुदैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि मैं सफर में था और जंगल में रात हो गई, मैंने अपने घोड़े को एक दरख्त से बांध दिया, रात अंधेरी हो चुकी थी, घोड़े को बांध दिया और तिलावत करने लगा। अकेला करता क्या है, तिलावत शुरू कर दिया कुरान की। जैसे ही मैं तिलावत करता रहा, मेरा घोड़ा उछलना कूदना शुरू कर देता। मैं फौरन दौड़ के घोड़े के पास आता, आस पास देखता कि कोई दरिंदा तो नहीं है जिसको देख के घोड़ा उछल रहा है, कूद रहा है। फिर घोड़ा शांत हो जाता, फिर मैं वापिस आता, अपनी जगह पर तिलावत शुरू कर देता। रात गुजारनी थी जंगल, रात भर बार बार ऐसे ही होता, जैसे तिलावत शुरू करे घोड़ा उछलना कूदना शुरू कर, जैसे उनको देखने जाए घोड़ा को सुकून मिल जाए, हैरान रहे, सुख बहुत बेचैनी के आलम में। और जब मदीने पाक आए तो डायरेक्ट रसूल पाक की बारगाह में आए, हजरत उसैद इब्न हुदैर बारगाह रिसालत वहां पे हाजिर हुए और एक अजीब मंजर भी देखा था। अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, रात में सफर से वापिस हुआ, रात हो गई, मैं जंगल में कयाम कर लिया था तो मैं कुरान की तिलावत करने बैठ गया, क्या करता तो मेरा घोड़ा उछलना कूदना शुरू कर देता था और जब मैं रोक देता था तो सुकून पा जाता था। और क्या रसूल अल्लाह, मैंने आसमान में साइबान की तरह देखा, अजब मंजर देखा, उसमें किंदीने भी चल रहे थे। मुझे समझ में नहीं आया कि मेरा घोड़ा कूद फांद क्यों रहा था, उछल क्यों रहा था। प्यारे आका मुस्कुराने लगे और कहा कि मेरे प्यारे शायद इतने होता है, तुम्हें खबर नहीं, जैसे ही तुम कुरान की तिलावत करते थे ना, आसमान से रहमतों के फरिश्तों का नुज़ूल होता था और उन फरिश्तों को देखकर तुम्हारा घोड़ा उछलना कूदना घबराना शुरू कर देता। जरा तो देख ली, ये है हदीस पाक में कि जब कुरान का नुज़ूल होता है तो रहमतों का नुज़ूल होता है जब कुरान की तिलावतें होती है। और हम नहीं देख पाते अलग बात है, मगर देखते भी है। अभी आपने सुना कि एक बच्चे को कैंसर हुआ था, वो 28 पारे का हाफिज था
कैंसर कितना मौखिक मर्द है, मगर आप यकीन जानिए शक की तो बात ही नहीं है, तो उसी कुरान की तिलावत की बुनियाद पर इस तरह सेहत याब हुआ कि आप कैंसर का नामो निशान करा। कुरान तो शफा है कुरान, ये कुरान मुकद्दस मोहतम शान किताब है, और जहां इनकी तालीम हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे साहबियों तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। आका ने यह भी फरमाया कि हर दिल में जंग लगता है, जब लोहे में जंग लगता है ना तो उसे मांझ के रगड़ के सैकर किया जाता है, साफ किया जाता है। और तुम जानते हो कि जब दिल में जंग लगता है तो क्या करते हैं? साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, बताया, कहा जब दिल में जंग लग जाए ना, दिल आलूदा हो जाए ना, दिल महिला हो जाए ना, गदला हो जाए ना, जब सियाह नुक्ते पड़ जाए ना, तो तुम कुरान की तिलावत कर लिया करो, तुम्हारा दिल आईने की तरह चमक उठेगा, साफ सुथरा हो जाए। ये कुरान क्या है? हम तो गदली को साफ करने के लिए जहां 24 घंटे कुरान की तिलावतें होती हो, वहां 24 घंटे रहमतों के फरिश्ते का भी नुज़ूल होता है। ये वो मुकद्दस जगह है। अल्लाह उन लोगों को उरूज बख्शे जो तन मन धन से इस कुरान की तालीम के लिए लगे हुए हैं। कोई तालीम हासिल कर रहा है, कोई दे रहा है, कोई उसके एक हदीस के पास याद आए, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस पाक को रिवायत करते हैं। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेटलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफा बंगार बाजार, डायमंड कारपेट।